देखो जी, आप 20 साल होने लगा, मुझे क्या मिला? मैंने अच्छी रिपोर्ट दिया था, मुझे क्या मिला? कोई नहीं मिला। मैंने खास रिपोर्ट दिया था, खुश हो के देना चाहिए था गवर्नमेंट ने, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। कारगिल तो लगभग 60 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के किनारे ते वसया होया है गरकौन पिंड। इसे पिंड के रहने वाले हैं ताशी नामग्याल। वो ताशी ही सन जिन्होंने घुसपैठियों की खबर भारतीय फौज नूं दित्ती सी। गल 1999 की है। पाकिस्तानी फौजियों ने कारगिल की उच्चियां पहाड़ियों ते घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लए सन। बकरियां चराउण वाले ताशी सानू उसी जगह ते लैके गए जिथों उन्होंने घुसपैठियों नूं वेख्या सी। उन्होंने दस्या कि उन्हां दा याक किते गुआच गया सी ते ओ उसनूं लभ रहे सन। ये थारू मंजिस हमारा गांव, मैं इसी नाले में गया था, इसी नाले को ऊपर ढूंढते ढूंढते गया तो जब मैं ऊपर एक बकरी रखने की जगह है, बरारू बोलता है, एक खा बरारू एक जा बरारू, खा बरारू में पूछते हुए तो मैं ऊपर जो मेरे पीछे एक टॉप नजर आता है बरा वाला, वो थारू बोलता है, थारू को नाम जो टॉप, वहाँ से कोई रास्ता के कोई बराब में के बीच में कोई रास्ता जैसा नजर आया तो मैं बगल सन में देखते देखते आता हूँ, इस जगह में एक बंजू टॉप है, वहाँ कोई छः बंदे नजर आया मेरे को, पत्थर ढूंढ रहा था, बर्फ भर रहा था। ताशी नूं इस खबर के बदले विच इनाम वजो कई सर्टिफिकेट मिले, पर वो पुछते हैं कि वो इन्हों का की करेंगे। बहुत सारे सर्टिफिकेट मिला हुआ है मेरे को, जूसी से देखी, ब्रिगेड से देखी, कमांडिंग सीओ से देखी, कोई काम में नहीं आया मेरे को, कागजात पड़ा हुआ है। इकल्ले ताशी ही नहीं, पिंड के बाकी लोगों का भी मानना है कि उन्होंने भारतीय फौज वास्ते काफ़ी कुछ किया, पर किसी ने उन्हों की सुध नहीं ली, ना किसी ने उन्हों की हालत सुधारी ते ना ही पिंड की। जेंस भी था सर, एक घर का दो दो तीन तीन बंदा गया, फिर हमारे बच्चे सब भी उसी साल बेकार हो गए, फिर पढ़ाई के टाइम में भी हमारा स्कूल भी बंद हुआ सर, फिर लड़ाई में हम लोग को जमीन भी पूरा खराब किया नाले से गांव तक। कि इस गांव को कम से कम कुछ वेलफेयर तो स्पेशल होना चाहिए, स्पेशल तो छोड़ो, हमारे यहाँ तक कम्युनिकेशन नहीं है अभी तक। गरकौन पिंड के लोग फख्र महसूस करते हैं कि दुश्मन बाहर कढ़न दे विच उन्हां दा भी योगदान रहा, पर उन्होंने शिकायत भी है कि उन्होंने इसका कोई इनाम नहीं मिलिया, हालांकि 20 साल बाद भी उन्होंने उम्मीद बरकरार है। अरविंद छाबड़ा, BBC, गरकौन, कारगिल।